वेलकम टू टेक एक्सपर्ट, स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा ने भारत में नई इलेक्ट्रिक कार होंडा ही लॉन्च करने की तैयारी में है। वैसे ही होंडा हर साल नई कार लेकर आता है और होंडा की हर कार लोगों को काफी पसंद आती है, क्योंकि होंडा की हर कार काफी छोटी और खूबसूरत होती है। ऐसे ही होंडा एक और कार लेकर आ रही है जिसे कंपनी ने नाम दिया है होंडा MC बीटा। दोस्तों, होंडा जापानी कार निर्माता कंपनी है जहां टोक्यो शहर घनी आबादी वाला शहर है, जहां ट्रैफिक की समस्या काफी रहती है। इसे ध्यान में रखकर कंपनी ने इस कार को काफी छोटी और खूबसूरत डिजाइन किया है, और खासकर स्मार्ट कार फोटो एंड द मित्सुबिशी IMI EV को ध्यान में रखकर इस कार को बनाया है। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो होंडा की MC बीटा में 6 से मैक्सिमम 11 kW की मोटर दी गई है, जो इनके चारों टायरों को पावर पहुंचाती है। रेंज की बात करें तो होंडा की MCB में लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसे एक बार फुल चार्ज करके 80 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप घरेलू 200 वॉट्स के चार्ज से चार्ज करोगे तो इसकी बैटरी को सिर्फ 3 घंटे के समय में चार्ज कर सकते हो। अगर आप 100 वॉट से चार्ज करोगे तो इसकी बैटरी को 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो होंडा की ऑल इलेक्ट्रिक सुपर लाइट फोर व्हीलर में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, और दोनों ही सीट काफी कंफर्टेबल दी गई है। दोस्तों, इस कार में विंडस्क्रीन वाइपर, वॉशर, हेडलाइट्स और 2 डोर्स दिए गए हैं। दोस्तों, होंडा ने इस कार को दूसरी कारों से काफी अलग डिजाइन किया है। डायमेंशन की बात करें तो होंडा की इस कार की लंबाई 2495 मिलीमीटर, चौड़ाई 1280 मिलीमीटर और ऊंचाई 1545 मिलीमीटर दी गई है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये कार सिर्फ 10 सेकंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है, जिसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, ये कार वजन में बहुत हल्की है। इस कार का वेट सिर्फ 400 किलोग्राम है। दोस्तों, होंडा ने इस कार की कीमत काफी कम रखने की उम्मीद है। दोस्तों, इस कार की कीमत शायद 7 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। तो दोस्तों, होंडा की MC बीटा कार आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैसी कार इंडिया में आनी चाहिए या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।